इस वक्त आज की सुबह लोग जो बात कर रहे हैं सिर्फ गुजरात की बात कर रहे हैं, और बात ये हो रही है कि कांग्रेस ने किस हद तक बीजेपी को टक्कर दी है और कांग्रेस लगातार पीछे पीछे चल रही है। कांग्रेस की टैली बढ़ रही है, बीजेपी की टैली इस वक्त रुकी हुई है। 87-70 का स्कोर है इस वक्त सुबह का। और हम आपको एक बार अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर लेकर चलते हैं जहां सचिन अरोड़ा हमारे साथ हैं, और सचिन आपको बताएंगे कि अहमदाबाद की सुबह की हवाएं वहां पर क्या कह रही हैं। सचिन, सुधीर जी, इस वक्त अगर बात की जाए यहां पर कहीं ना कहीं टैली ये जो बता रही है ना, ये टैली लगभग ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टीज के लिए जो प्लान बी है, लगता है वो प्लान बी काम कर रहा है। क्योंकि बीजेपी ने ऐसा सोचा हुआ था कि अगर 150 से कम सीटें रहती हैं, यानी कि 130 से भी कम सीटें रहती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी थी, 22 साल से सत्ता में है, फिर भी देखिए सत्ता तो आई, फिर भी यहाँ पर हम सरकार बना रहे हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। कांग्रेस ने भी ये सोचा हुआ था कि अगर बुरे तरीके से हार होती है फिर ईवीएम की तैयारी की हुई थी, लेकिन अगर अच्छा होता है तो हम कहेंगे देखिए हम मोदी को हरा सकते हैं। आपको क्या, हमारे साथ केतन जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपको क्या ये नतीजे सरप्राइज कर रहे हैं या ये एक्सपेक्टेड थे? नहीं, जिस तरीके से हमने इस बार कांग्रेस का कैंपेन देखा है, कांग्रेस जिस तरीके से कैंपेन में एक के बाद एक एजेंडा सेट करती आई है, दो पिछले चुनाव में हमने देखा है कि बीजेपी और मोदी एजेंडा सेट करते थे, कांग्रेस उसको रिएक्ट करती थी, ये पहली बार देखने को मिला है कि कांग्रेस ने एजेंडा सेट किया है, बीजेपी रिएक्ट करता रहा है। तो अभी तक के जो 87 और 70 के जो रुझान है वो हमें लगता है कि कुछ हद तक जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने ग्राउंड पे देखा था, उसको काफ़ी हद तक वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें, कि जो ग्राउंड पे एंटी इनकम्बेंसी लोकल बीजेपी लीडरशिप के सामने दिख रही थी, लोकल गवर्नमेंट के सामने दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये तो आप कह रहे थे अशोक जी की फाइट देंगे, लेकिन ऐसी टफ फाइट देंगे आपको लगता था? क्योंकि 87 पे अब टैली आकर के बीजेपी की रुकी है और आपकी 66 पे थी और ये बढ़ती चली जा रही है। नहीं, आप देखिएगा और भी टैली कांग्रेस की आगे बढ़ेगी। हमें तो पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन जो एंटी इनकम्बेंसी से त्राहित त्राहित पुकार उठी थी, वो जनता जो है वो इस समय परिवर्तन चाहती थी। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि पूरे चुनाव अभियान में जनता की लड़ाई, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं थी, जनता ने अपने आप आंदोलन चलाए थे, चाहे पाटीदार हो, चाहे समाज का कोई भी हिस्सा हो, किसान हो, व्यापारी हो। आप देखेंगे कि सूरत में भी और अहमदाबाद में भी लाखों की संख्या में व्यापारियों ने जीएसटी के सामने आंदोलन चलाया था, आंदोलन किया था। और जब राहुल गांधी जी सूरत पहुँचे थे तो उस समय व्यापारियों ने उनका भव्य स्वागत भी किया था, और वो सवाल राहुल गांधी ने उठाया, जिसके चलते जीएसटी काउंसिल को काफ़ी चीज़ों में राहत देनी पड़ी व्यापारियों को, और काफ़ी कदम भी उठाने पड़े। वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस की आंदोलन और व्यापारियों के आंदोलन की वजह से हुआ था। और लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम नज़र आता है कि 61 पिछली बार कांग्रेस की सीट थी। पिछली बार जब मुकाबला हमने देखा या उससे पिछले चुनाव में भी देखा, तो ऐसा यहाँ पर गुजरात में नज़र आता था कि जैसे कोई मुकाबला है नहीं, बीजेपी एक तरफा लड़ रही है और बीजेपी यहाँ पर जीत जाएगी। फिर भी आप देखिए कि यहाँ का वोटर 61 सीट्स कांग्रेस को दे रहा था, यानी कि वो वोटर जान रहा था कि वो जिस पार्टी को वोट दे रहा है उस पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। और फिर ये कहा जाता था अगर 2-3% का यहाँ पर अगर जंप कांग्रेस ले लेती, यानी कि वो कैंपेन से लिया जाए या फिर कैंपेन को मोल्ड करके लिया जाए, जो कि इस बार एग्रेशन दिखाया कांग्रेस ने, तो यहाँ से सीटें बहुत अच्छे से आगे जा सकती हैं, और वही शायद ग्राउंड पर नजर आ रहा है इस बार। नहीं, इससे भी अच्छा रिजल्ट आप देखेंगे, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से राज किया है, अहंकार और घमंड में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी है। और इतना ही नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि ये संघर्ष जो है, चुनाव का जो संघर्ष है, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और आम जनता के बीच का है। कांग्रेस तो जो सरदार और गांधी में मानने वाली कांग्रेस है, उसने तो जनता के बीच में जाकर जनता की आवाज़ को ऊपर ले जाने का काम किया था। और इतना ही नहीं, अगले के आप पूरा एक महीने का चुनाव अभियान देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुजरात की जनता को न सिर्फ गुजरात की सरकार के विशाल तंत्र के सामने लड़ना पड़ा, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों के सामने गुजरात की जनता को जो है अपनी भावनाओं को आगे ले जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। और चुनाव के आखिर के दौर में आप देखेंगे किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने विकास की बात एक तरफ रख के और पूरे का पूरा चुनाव पर तो ये लग रहा है, केतन जी यहाँ पर तो ये लग रहा है कि हम वापिस इससे पहले कि चले नोएडा स्टूडियो कि टैली कहीं ना कहीं पलट ना जाए, क्योंकि 87 जब हम ये कह रहे हैं कि 87 पे रुक गए हैं तो वो 74 तक पीछा करते हुए आ गए हैं। सुधीर जी, जी जी सचिन, ग्रामीण और बिल्कुल ये जो बात है ये बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात है कि बहुत देर से 87 पर उनकी टैली आकर अटक गई है और कांग्रेस
74 पर आ गई है। तवलीन जी, इससे पहले कि हम जीवीएल के पास जाएं, जीवीएल नरसिम्हा राव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के बहुत शानदार और डायनेमिक स्पोक्स पर्सन हैं, खुद सेफोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम पूछेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी को गुजरात का सुपर हीरो कहा जाता था, गुजरात में कम से कम नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, ही इज़ अ सुपर हीरो। लेकिन गुजरात की एंटी इनकम्बेंसी वेव को नरेंद्र मोदी भी नहीं दबा पाए। कारण कई हैं मेरी राय में। एक तो ये जो GST वाली बात है, ट्रेडिंग कम्युनिटी है बहुत बड़ी गुजरात में और बहुत चोट पहुंची तो गब्बर सिंह टैक्स से जीत गया। बल्कि मैं तो मानती हूँ कि ये सेक्युलरिज्म वाली बात पीछे रह गई और इनको दो तरह से बहुत चोट आई। एक तो वो नोटबंदी की वजह से और फिर नोटबंदी का वो झेल ही रहे थे कि GST आ गया और हर महीने इनको वो फॉर्म्स भरने पड़ रहे हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने कभी वो टैक्स भरा ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल में वो गुजरे थे। तो ये जो कह रहे थे आपके एजेंडा, नहीं पता नहीं कौन कह रहा था कि एजेंडा इस बार राहुल गांधी ने वाकई सेट किया और ये लोग मुकाबला नहीं कर पाए उस एजेंडा का। पर मैं मानती हूँ कि ये जो इकोनॉमिक जो कदम उठाए थे मोदी ने, उसका नुकसान बहुत इसमें काम आया है और सेक्युलरिज्म वगैरह थोड़ा है लेकिन इतना नहीं। जी, जीवीएल के पास हम चलते हैं। जीवीएल, आई वुड से इट्स अ बैड मॉर्निंग फॉर बीजेपी। सुधीर जी, एक बार रिपीट करिएगा प्लीज। मैं कह रहा था कि आपके लिए आज की सुबह कोई बहुत ज्यादा शुभ नहीं रही, 87 पर बहुत देर से आपकी टैली अटकी हुई है। ऐसे नतीजे आपने सोचे थे? आप तो खुद सेफोलॉजिस्ट हैं, या फिर आप सोच रहे थे, आप तो 150 के सपने देख रहे थे? नहीं सुधीर जी, मेरे आंकलन बहुत ज़्यादा संख्या का नहीं था, लेकिन हम जीतेंगे इसका भरोसा था पहले, अभी भी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक कठिन चुनाव था। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, बड़े बड़े दावे अभी कर रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि विजय रूपाणी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, वो पीछे चल रहे हैं। ये भी बड़े कमाल की बात है कि मुख्यमंत्री खुद इंद्रनील राजगुरु से पीछे चल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा संकेत है। जीवीएल न सुधीर जी, मैंने पहले ही कहा ये बहुत ही कठिन चुनाव था, जो हमारे कांग्रेस मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे थे। सच्चाई ये है कि ये जातिगत, ये जाति का द्वेष पैदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी वहां 2-2.5 साल से काम कर रही थी, कुछ हद तक सफल भी हुए और वो जातिगत विद्वेष से, वो इस इमोशनल, एक्चुअली जाति एक बड़ा एक इमोशनल फैक्टर होता है, उससे उभर कर चुनाव को वापस हम अपने पाले में लाए, ये मैं मानता हूँ ये अपने आप में एक बड़ी जीत होगी। 92 का संख्या भी ऐतिहासिक होगी क्योंकि छठी बार जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट लेकिन जातिगत विद्वेष को ये सरकार के खिलाफ जनता का रुख न माने, ये जातिगत राजनीति कांग्रेस की कितने खतरनाक तरीके से किया और चुनाव के ऐन मोमेंट पर ये सारे जाति आकर के, ये जातिगत आंदोलन आकर के कांग्रेस में मिल लिए। उसके बाद हमने कोशिश किया जनता को समझाने की, बट लेकिन ये केवल और केवल एक तुच्छ राजनीति थी कांग्रेस पार्टी की, कोई सकारात्मक राजनीति नहीं थी। आप ये कह रहे हैं कि ये हारा हुआ चुनाव आप किसी तरीके से 92 सीट तक लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत कठिन चुनाव था, बहुत कठिन चुनाव था, क्योंकि उन्होंने जाति का जहर उगालने की कोशिश किया है। इसके अलावा कांग्रेस का एक 1% कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं है और उसको हम वापस जन गुजरात को जोड़ने की हमने कोशिश की और जीतेंगे, जरूर जीतेंगे और उसके लिए श्रेय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलेगा, जो इसको मिटाने के लिए हमने आयन मोमेंट पर लास्ट 3-4 मंथ्स में हमने काम किया है। और जीवीएल, लेकिन अगर स्थिति इतनी खराब थी तो फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार ये क्यों कह रहे थे कि हम 150 सीटें जीतेंगे, 150 सीटें जीतेंगे? राहुल गांधी तो हर चुनाव में यही कहते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन आप देखिए 27 चुनाव हार चुके हैं, अब 28 और 29वां भी हारेंगे, तो Why were you showing such a overconfidence? No, सुधीर जी, चुनावों में बड़े लक्ष्य रखकर posturing लड़ना और हमारे पार्टी का एक नीति रहा है, खासकर अमित शाह जी का, और कई बार हम लक्ष्य को पार करके हमने साबित किया है। यहाँ भी जो 150 और जो भी संख्या हमें मिलेगा उसमें जो वोटों की अंतर होगा बहुत ही मामूली होगा, 150 की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, मेरे कभी इस प्रकार के आंकलन नहीं थे।
और लेकिन अनुमान के मुताबिक ही चुनाव नतीजे आ रहे हैं। हमें उम्मीद है हमें अच्छी मेजोरिटी मिलेगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जी 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 वेल, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन आपको इस वक्त बता दें कि बीजेपी के लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि बीजेपी की अब टैली कम होती जा रही है, 87 से 84 पर आ गए हैं, और कांग्रेस बढ़ती जा रही है और कांग्रेस 80 पर आ गई है। कांग्रेस इज कैचिंग अप फास्ट, सिर्फ 4 सीटों का अंतर है, 80 पर कांग्रेस है और बीजेपी 84 पर है। पहले हम सोच रहे थे कि 5 और सीटें मिल जाएंगी और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, ये रुझान है हालांकि, लेकिन रुझान के मामले में भी बीजेपी नीचे गिर रही है, 87 को छूकर अब वापस नीचे लौट रही है बीजेपी, 84 वर्सेस 80। कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और हैरान कर दिया है, ना सिर्फ बीजेपी को बल्कि देश भी हैरान है। परवेश जी आप कहेंगे देश भी हैरान हो गया इससे? मैं समझता हूँ हैरान है, और लेकिन आप ये भी कहेंगे कि एक आध कोई स्केप्टिकल अगर होता है, पत्रकार हो या एनालिस्ट हो, उससे आपके पैनल को और आपके साथ को भी थोड़ा फायदा ही पहुँचता। बहरहाल, इसलिए कि जब 8 बजे डिस्कशन शुरू हुआ था तो मैंने ये जिक्र किया था कि मैंने किसी एक व्यक्ति से बात की जो कि काफ़ी अच्छे खासे हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं आप देखिएगा कांग्रेस बेहतर करेगी। अच्छा, इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पिछले 2 दिन से हम ये सुन रहे हैं ऑलमोस्ट कि जैसे कांग्रेस डेसिमेट हो गई हो। बहरहाल, अब आते हैं, आपने ये देखा कि जिसे जीवीएल की भाषा से साफ लगा कि अब उन्होंने इल्जाम तराशी शुरू कर दी है, यानी कि आरोप उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। एक्चुअली दे आर प्लेइंग विक्टिम नाउ। हाँ, ईवीएम को कोई दोष नहीं दे रहा, अभी कोई जाके पाटीदार वालों से, हार्दिक से पूछे या कांग्रेस से पूछे कि अब विलन कौन है, क्या अब विलन ईवीएम है कि नहीं है। जीवीएलएन की बात छोड़िए, ईवीएम की बात पे आइए। ईवीएम का दोष, आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा कि ये बहुत ही नाटकीय चरण है और बहुत ही नाटकीय एक मोड़ पे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी की टैली न सिर्फ 87 से नीचे 84 पे आती है और कांग्रेस जो है वो 66 पे जहां अटकी हुई थी इस वक्त 80 के आसपास है और बढ़ती हुई नजर आती है। और एक दो जो सूत्रों से खबरें इस तरह की मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस के रुझान जो हैं वो थोड़े से बेहतर नज़र आ रहे हैं बीजेपी से, तो सीधी सी बात है अब चर्चा इस बात पे होगी वही जिस पे सुधीर जी आपने मापदंड भी सेट किए थे, स्वामी जी से बात भी की थी कि भाई ये 150 से नीचे आती है तो फिर किसको दोषी ठहराएंगे। अभी भी जीवीएल बार बार कह रहे थे कि इस जीत का श्रेय जो है वो ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है गुजरात में, प्रधानमंत्री को जाता है। अब सीधी सी बात यह है कि इसने खराब प्रदर्शन का जो श्रेय है भारतीय जनता पार्टी में वो किसको जाता है, इस सवाल का मुझे लगता है हमें जवाब तलाश करना होगा। और हम वही विश्लेषण कोई कोशिश कर रहे हैं, ये हमने एक मीटर बनाया है कि राहुल गांधी ने 30 रैलियां की थी, मंदिर में 27 बार गए हैं और 16 दिन उन्होंने वहाँ पर लगाए हैं, रोड शो 12 किए हैं और 27,000 किलोमीटर की दूरी राहुल गांधी ने तय की थी। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने काफ़ी मेहनत की, रैलियाँ का कंपैरिजन आप देख सकते हैं, राहुल गांधी ज़्यादा मंदिरों में गए मोदी के मुकाबले, और एक कंपैरिजन है, तुलना है दोनों के बीच में, दोनों में से किसने कितनी मेहनत की, कितना जोर लगाया, 35,000 किलोमीटर, 27,000 किलोमीटर, 35 रैलियाँ, 30 रैली, 5 बार मंदिर, 27 बार मंदिर, 17 दिन वर्सेस 16 दिन, 1 रोड शो मोदी ने किया लेकिन 12 रोड शो राहुल गांधी ने किए, और 35,000 किलोमीटर नरेंद्र मोदी ने तय किए और दूरी 27,000 किलोमीटर राहुल गांधी ने तय की। ये दोनों की मेहनत इस वक्त आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, मेहनत की तुलना, और उसके बाद मेहनत के मुकाबले वोट कितना मिला वो भी हम थोड़ी देर में आपको ब्रेकअप बताएंगे। और इस वक्त हमारे साथ आरजे देवकी मार्क्स हैं, जिनको कि आपने रेडियो पर सुना होगा, स्टार कैंपेनर रही हैं इलेक्शन कमीशन की गुजरात में। देवकी, गुजरात का यूथ हमें बार बार दिखाई देता था और कॉलेज के लड़के लड़कियां बार बार आकर कहते थे कि नरेंद्र मोदी उनकी पहली पसंद है, यूथ उनके साथ है और नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता गुजरात में। ये नतीजे देखकर आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है जो भी मैं देख रही हूँ। मुझे इसलिए सुंदर लग रहा है क्योंकि एक लोकशाही में जब अलग अलग लोग प्रजा के लिए लड़ रहे हैं तब उन दोनों के बीच में एक से कंपटीशन होना ज़रूरी है। अगर बहुत डिफरेंस है उन दोनों के बीच में तो कोई भी जो सत्ता में है वो ज़्यादा ताकतवर लगेगा, ज़्यादा अभिमानी लगेगा, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। दूसरा, मैं तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स को भी मिली हूँ जिन्होंने बोला है कि इस बार तो हम नोटा देंगे, और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जिस तरह से इलेक्शन के अंदर कैंपेनिंग होती है
मुझे लगता है आजकल का यूथ जो है वो रिलीजियस चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होता है। मुझे लगता है कि आजकल का यूथ जो है वो सिर्फ जातिवाद से इम्प्रेस नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स क्या होने वाले हैं आने वाले सालों में, वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है टू बी डिस्कस्ड। सेकेंडली, मुझे ये भी लगता है कि आज का यूथ ये मानता है कि कौन ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने वाला है इन कमिंग डेज, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। बट मैं आपको रोकूंगा क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त बात इस वक्त हुई है जिसकी किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी, और वो ये है कि पहली बार आज सुबह कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई है। बीजेपी की टैली 84 पर आकर रुक गई है, कांग्रेस की टैली लगातार बढ़ती जा रही है, और पहली बार आज सुबह, बल्कि मैं कहूंगा पहली बार बहुत सालों में, कांग्रेस की टैली बीजेपी से आगे निकली है। कांग्रेस 88 सीटों पर आगे है, बीजेपी 84 सीटों पर आगे है, जिसकी कल्पना शायद नहीं की थी किसी भी नेता ने या किसी भी एग्जिट पोल ने, वो यहां पर होते हुए दिख रहा है। असंभव सी बात इस वक्त होते हुए आपके स्क्रीन पर दिख रही है। दर्शकों से मैं ये कहूंगा कि एक कप चाय आप और बनवा लीजिए क्योंकि अभी ये मैच बहुत ही जबरदस्त सिचुएशन में आ गया है। बीजेपी पीछे चल रही है और कांग्रेस आगे चल रही है, और ये गुजरात के नतीजे हैं। ये मत सोचिएगा कि आप सपना देख रहे हैं, आप जागे हुए हैं, ये सुबह हो चुकी है, रात नहीं है, और आप अपनी स्क्रीन पर गुजरात के नतीजे देख रहे हैं। ये कोई सपना नहीं है, लेकिन कांग्रेस आगे है 4 सीट से। सुधीर, हिमाचल में भी बड़ी दिलचस्प स्थिति देखने को मिल रही है आपको कि कांग्रेस एकदम से बहुत पीछे थी और बहुत आगे आई है। जी, जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने ये जो गैप है इसको कवर अप किया है। और हम एक बार अहमदाबाद चलते हैं, रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं, और धीरे धीरे अब आपको कांग्रेस के दफ्तर में चहल पहल और नारेबाजी सुनाई देगी। रवि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ये देखिए सुधीर जी, मैं दिखाना चाहूंगा, बात कर रहा हूँ, मनीष कोशी है यहाँ के चीफ एक्सपोर्ट पर्सन। मनीष, आपको अभी बात कराऊंगा क्योंकि कांग्रेस दफ्तर में नारेबाजी शुरू हो गई है, एक कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण कांग्रेस में जगी है, और वो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि कांग्रेस दफ्तर में नारेबाजी भी कर रहे हैं और सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं हर कमरे में। रवि, अब कांग्रेस के लोग मिठाई निकाल सकते हैं, ये भले ही आगे चल के सरकार ना भी बने लेकिन मिठाई निकालने के लिए ये भरपूर मौका है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मिठाई आपने बेकार में बांटी। मनीष दोषी, सुधीर जी मनीष दोषी हमारे साथ है, यहाँ के चीफ एक्सपोक्स पर्सन है। मनीष, क्या मिठाई अब निकाली जाएगी कि अभी भी नहीं? निश्चित पर ये रुझान है, रुझान में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, ये लोगों का आशीर्वाद है। मैं गुजरात की जनता को नमन करता हूँ, ये पूरी तौर से बहुत नम्र भाव से कहना चाहता हूँ। लोगों ने हमारे में विश्वास रखा है, कांग्रेस भी जी माध्यम से ये बात कहना चाहती है कि गुजरात के लोगों के लिए कांग्रेस प्रतिबद्धता से काम करेगी। जो राहुल जी ने हमको वादा किया गुजरात की जनता के साथ, वो किसानों का ऋण माफी हो, के युवाओं को रोजगार हो, कांग्रेस पक्ष ये प्रतिबद्धता से काम करेगा। कब खिलाएंगे आप लोगों? निश्चित तौर पे सबसे पहले मिठाई भी खिलाएंगे, और लोगों को जो वादा किया है ये जुमला नहीं होगा, ये लोगों के साथ प्रतिबद्धता है, कांग्रेस इस पे काम करेगी। जी रवि, सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हलचल शुरू हो गई और तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पहुँचने शुरू हो गए। जी जी रवि, आपके पास दोबारा आएंगे, हम आपको बता दें कि अभी जो तुरंत जो एकदम रिएक्शन देखने को मिला है वो आया है सेंसेक्स से। सेंसेक्स लगातार नीचे जा रहा है, जैसे जैसे गुजरात के नतीजे और रुझान आगे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, सेंसेक्स नीचे जा रहा है। और सेंसेक्स आप सोचिए कि ये पीछे 15 मिनट में 800 पॉइंट नीचे गिर गया है। सेंसेक्स पर सबसे पहला असर आपको दिखाई दिया है कांग्रेस की जीत का और बीजेपी की हार का। कांग्रेस अब 88 सीटों पर आगे है, बीजेपी 84 पर आगे है, और पहली बार आज सुबह कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ा है, और वो भी गुजरात में। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ये सपना नहीं देख रहे हैं, ये हकीकत में हो रहा है, और ये असंभव सी बात लगती थी 2 घंटे पहले तक, लेकिन ये सच्चाई है। राहुल रोशन के पास हम चलते हैं। राहुल, हम बात कर रहे थे कि ये चुनाव सोशल मीडिया पर भी लड़ा जा रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर बड़ा जबरदस्त जोर है। कोई कहता था कि नई पीआर एजेंसी हायर की है अमेरिका से, उन्होंने जबरदस्त नकली फॉलोअर्स बोट्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया असली नब्ज को पकड़ भी लेता है। क्या आपको लगता है कि इस बार फॉर अ चेंज सोशल मीडिया ने असली नब्ज को पकड़ लिया था?
फॉर अ चेंज तो नहीं, कई बार पकड़ता है सोशल मीडिया असली नब्स को। जब मोदी भी ऊपर बढ़ रहे थे 2013 के आसपास, तो कई लोग यूं कहते थे कि ये तो बस ट्विटर पे ही प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। वो एक बड़े पत्रकार ने भी ये बात कही थी, लेकिन वो बन गए आज। तो ऐसा नहीं है कि फॉर अ चेंज ऐसा हुआ है। और आपने जो कहा वो एक्चुअली एक ट्वीट है भी इस तरह का, जिसमें लोगों ने उस कैम्ब्रिज एनालिटिका जो कंपनी थी जो ट्रंप के लिए भी काम करती थी और ऐसा सुनने में आया कि वो कांग्रेस के लिए काम कर रही है इस पर सोशल मीडिया पे, उसके बारे में लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है कि शायद गुड शो, उसमें लिखा है कि गुड शो कैम्ब्रिज एनालिटिका, राइट। तो हाँ, तो ऐसा शुरू हो गया, ये लोगों ने ये बिल्कुल जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो राहुल गांधी को तो इसमें ऑब्वियसली पूरा श्रेय देंगे ही कांग्रेस वाले। मेरा अगला सवाल, लेकिन ये सोशल मीडिया जो उनकी टीम, राहुल गांधी को दें या राहुल गांधी की नई पीआर एजेंसी को दें? नहीं, जो कांग्रेस के हैं वो तो राहुल गांधी को ही देंगे, इसमें तो कोई और किसी का तो कोई श्रेय लेने का मतलब नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिवली देखें तो अगर ये ट्रेंड्स बरकरार रहते हैं तो उनकी जो सोशल मीडिया टीम है, जो नई पीआर टीम है, या जो भी है, जो कम्युनिकेशन टीम है बेसिकली, वो तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने बीजेपी को मात दी है। और जैसा पहले बात हो रही थी कि इन्होंने एक तरीके से एजेंडा सेट किया, ये सच है, लास्ट में लड़खड़ा गए, लास्ट में भी उन्होंने एजेंडा ही सेट किया, लेकिन वो गलत एजेंडा सेट कर दिया जो कि बीजेपी सोच रही थी अच्छा किया इन्होंने, नीच कहना या फिर जनेऊधारी कहना या जो कहना, बेसिकली ये नहीं कह सकते आप कि बीजेपी ने कॉमनलाइज किया, उन्होंने ही किया और बीजेपी ने उसका फ़ायदा उठाया, तो वहाँ पे उनसे चूक हुई। लेकिन शुरुआत में एजेंडा वही सेट कर रहे थे कांग्रेस के जो सोशल मीडिया टीम है, और ये उनकी जीत तो है डेफिनेटली अगर आंकड़े ऐसे ही रहे। बोलेंगे कि विकास पागल हो गया है। सबसे पहला मुझे लगता है कि एजेंडा सेटिंग जो स्लोगन था वो था विकास पागल हो गया। बिल्कुल, वो वहाँ से उन्हें लेगअप मिला था, वो काफ़ी आगे थे, बीच में लड़खड़ाए, लेकिन अगर ये ट्रेंड रहता है तो ऑब्वियस सी बात है पार्टी तो पूरी की पूरी राहुल गांधी को श्रेय देगी, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन का बंदा है, जो भी उनकी सोशल मीडिया टीम है, वो उसको बड़ा श्रेय जाता है। एक दो ट्वीट और मैं दिखा दूं आपको कि ये जो है कि ये मजाक की बात है ऑब्वियसली कि अर्ली ट्रेंड इज शोइंग दैट बीजेपी फेल टू हैक ईवीएम। ये एक है, फिर एक फोटोग्राफ दिखा दूं कि ये सच है कि वो कह रहे हैं ये बेचारा गुजरात वर्सेज हिमाचल अभी है, सारा का सारा फोकस अभी गुजरात पे है, हिमाचल का कुछ वो नहीं है। तो बस जो जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और अब जबकि कांग्रेस के पक्ष में है तो सोशल मीडिया पे भी मूड वैसा बदलता जा रहा है, कुछ जोक्स चल रहे हैं, बाकी सोशल मीडिया पे किसने कांग्रेस को फायदा पहुंचाया, कौन उनका लीडर है असली, वो अभी बात चल रही है। राहुल, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कांग्रेस 90 सीटों पर आगे चल रही है और सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को और चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए गुजरात में, और ये असंभव सी बात संभव होती हुई आपको दिख रही है। बीजेपी की टैली अब नीचे उतर रही है, 87 से 84 पर आई, 84 से 82 पर आई, और कांग्रेस की टैली लगातार धीरे धीरे ऊपर जा रही है, और इस वक्त कांग्रेस 90 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 82 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री रूपाणी खुद अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बात की संभावना किसी एग्जिट पोल ने नहीं जताई थी। आरिफ साहब के पास हम चलते हैं। आरिफ साहब, आप कैसे इसका विश्लेषण करेंगे? सारे एग्जिट पोल अगर ये रुझान देखें तो अब मैं कह सकता हूं सारे एग्जिट पोल गलत थे। अब आप देखिए, यूपी में भी गलत थे और यहां भी। एग्जिट पोल पहली दफा गलत साबित नहीं हुए हैं। असल में बात यह है कि हम लोग कुछ जरूरत से ज्यादा प्रिज्यूम कर लेते हैं। वोटर शायद कहीं वो उसके पता भी चल जाता है कि वो क्या सोच कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग वो इस बात के बारे में उन्हें चेतना है कि मेरा ये अधिकार है और ये खुफिया तौर पर मुझे इस अधिकार का प्रयोग करना है। तो मेरे ख्याल से हम ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा भाव देते हैं उन लोगों को जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, उन लोगों को जो अब दो ही तो होना है, हारना है या जीतना है, तो वो उसमें परसेंटेज है, सही भी निकल सकता है। हम समझते हैं उनकी जो स्टडी थी वो बड़ी परफेक्ट थी, वो कहीं परफेक्ट नहीं, लेकिन इससे अलग होके
मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, अभी यहाँ जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी यहाँ सेकुलरिज्म के ताल्लुक से कुछ बातें कही गई। मैं ये समझता हूँ कि अंग्रेज़ों ने जो हमारे दिमाग में बिठाया है कि हम राइवल कम्युनिटीज़ हैं, हम ज़ीरो सम नेशन हैं, हम एक दूसरे की कॉस्ट पर प्रोग्रेस कर सकते हैं, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो इसको नुकसान होगा और इसको जा रहे हैं तो वो नुकसान, ये बिल्कुल इसी के नतीजे में तो इस देश का विभाजन हुआ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसकी कोई कल्पना नहीं है कि इंडिया इज टुडे अ जीरो सम नेशन। हम आज एडवर्सेरियल रोल नहीं है कम्युनिटीज का, ये ब्रिटिश पीरियड में था एडवर्सेरियल रोल। आज हमें अगर अभी भी हम नहीं सुधरे हैं तो हमें सुधरने की जरूरत है और हमें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बनने की जरूरत है। इसलिए इस मुल्क में मैं कोई खतरा नहीं मानता सेकुलरिज्म को कि ये सेकुलरिज्म पश्चिम से आयात किया हुआ सेकुलरिज्म नहीं है, ये भारत की अनडेटेड सभ्यता जो बहुधा की परंपरा है जहां हर प्लूरलिज्म उसके लिए एक्सेप्टेंस है, उसके लिए स्वीकृति है, सिर्फ टॉलरेंस नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं गलत काम नहीं होते, पर ये ऐसा है या ये सिर्फ संविधान में या किताबी बात है? अगर ये जहां नहीं है वहां मान लीजिए कि हम हमारे ऊपर बाहर के असर है, हम खुद अपने स्वार्थ में अपने रास्ते से भटक रहे हैं। आज भी आप किसी भी गांव में चलिए आपको यही चीज नजर आएगी, कहां पे दुश्मनियां दुश्मनियां तो राजनीति पैदा करा रही है, और राजनीति भी नहीं कहना चाहिए, इसलिए नहीं कहना चाहिए कि राजनीति अगर आदर्शों से प्रेरित है तो कभी दुश्मनियां पैदा नहीं कराएगी। अब अगर नहीं, पिछले दिनों क्या हो रहा है, हर दूसरे दिन किसी मुसलमान को जला रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि बहुत, मैंने तो खुद कहा बहुत गलत काम हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कल्चर को बदल डालेंगे। हम इस देश को, बहुत डीप रूटेड है हमारा, और ये हम जो ये संकट हैं हम इसको काबू पा लेंगे। और मैं मानता हूं कि कोई भी पार्टी हो वो हिंदुस्तानियों के बुनियादी मिजाज को तब्दील नहीं कर सकती, हाँ गुस्से में गुस्सा पैदा कर सकती है और उसमें पागलपन के वाकयात पैदा हो सकते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी उसका रियलाइजेशन भी होता है। जी अरे साहब, मैं आपके पास आता हूँ अभी, लेकिन जीवीएल इसके बाद चले जाएंगे इसलिए मैं उनसे एक रिएक्शन जरूर लेना चाहता हूँ। जीवीएल, पहली बार बीजेपी कांग्रेस से पीछे चल रही है, 86 पर बीजेपी है, 88 पर कांग्रेस है, और ये नतीजे गुजरात के हैं। किसी ने सपने में भी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि बीजेपी गुजरात में कांग्रेस से पीछे हो जाएगी। अब आप क्या कहते हैं और अब इसका श्रेय आप किसको देते हैं? नहीं सुधीर जी, ये बहुत ही संघर्ष वाली चुनाव है, ये हमें जानकारी थी। आई थिंक हमारे पार्टी के नेतृत्व में ये चर्चा हुआ, मैंने खुद चर्चा की, आप जानते हैं, तो मैं आपके साथ भी कई इलेक्शन एनालिसिस प्रोग्राम्स किया था जी। क्योंकि जिस प्रकार एक जातिवाद का एक कैंपेन चला और जो 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 हिंदू मुस्लिम की जो बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, सारे एनालिस्ट को, क्या आपने जिस प्रकार जाति का चर्चा हुआ गुजरात के चुनाव में, किसी और चुनाव में आप पिछले दो दशक में कभी सुने हैं क्या? एक समाज को लेकर बार बार प्रति चर्चा में करना, क्या ये सही है? तो इसलिए हमें पता था ये चुनाव जो है जाति के आधार, जैसा गुजरात में 22 साल पहले होता था, जो खाम की आधार पर जातियों के आधार पर बांट करके चुनाव जीतने की एक रणनीति कांग्रेस करती थी, इस बार भी उन्होंने वो रणनीति चलाया, कुछ काफी हद तक सफर हुए लगता है, बट मुझे, मैं अभी भी उम्मीद करता हूं हम 92 तक पहुंच सकते हैं और हम बहुमत हासिल करेंगे, और छठी बार यदि बहुमत भी हासिल करेंगे ये मेरे विचार से एक ऐतिहासिक बात होगी। जी जीवील, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आप 92 तक पहुंच भी गए और मान लीजिए आपकी सरकार बन गई, तो भी इसको एक हार की तरह ही देखा जाएगा बीजेपी के लिए। गुजरात प्रधानमंत्री का होम स्टेट है, गुजरात बीजेपी की प्रयोगशाला है, नरेंद्र मोदी गुजरात के सुपर हीरो हैं,
इसका मतलब ये हुआ कि आपके सुपर हीरो भी आपको गुजरात में बचा नहीं पाए, एंड दिस विल सेट अ टोन फॉर द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन। इसका आपको बहुत जबरदस्त नुकसान होगा, आप मानते हैं? बिल्कुल गलत सुधीर जी, क्योंकि केवल और केवल यदि ये बरकरार रखते हैं ये संख्या, केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की उनकी छवि के कारण उन्होंने अकेला पूरा पायल को पूरे गेम को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाकर खड़ा किए, और दूसरी और जमीन पर जो हमने मोबिलाइजेशन किया है, हमने ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट जो किया है, क्योंकि छठी बार जीतना कोई मामूली बात नहीं होती है। आई थिंक वो जातिगत विद्वेष जब पैदा करते हैं, ऐसा इमोशनल फैक्टर्स को ओवरकम करते हुए, काउंटर करते हुए चुनाव जीतना, ये बड़ी संघर्ष वाली चुनाव है। मैं मानता हूं तब भी श्रेय हमारे नेतृत्व को जाएगा, क्योंकि छठी बार जीतना ऐतिहासिक है, और 6 महीने पहले वहां जो स्थितियां थी, 3 महीने पहले स्थितियां थी, बहुत ही खराब थी। हम मैंने कभी सार्वजनिक तौर पर ये बात नहीं कही है, कि इट इज अ वेकअप कॉल फॉर बीजेपी। ये देखिए, ये हर चुनाव में सीखने के लिए मिलता है, मैं जरूर ये कहना चाहता हूं। तो इसलिए हमने जो 2 साल पहले इस प्रकार की जातिवाद की जहर पैदा करने की जो कोशिश किया था, हम इसको तुरंत इसको कंट्रोल करने में सफल नहीं हुए, बट मैं इस बात को मानता हूं। और जातिवाद के अलावा आपको ऐसा लगता है एरोगेंस, जो एक और बात जो सामने आ रही है नीचे से ग्राउंड से, वो ये था कि बीजेपी के नेता बहुत एरोगेंट हो गए थे, घमंड आ गया था, बहुत सोचते थे कि गुजरात तो हमारी झोली में है, हमारी जेब में है, गुजरात कहीं नहीं जाएगा। यू आर टेकिंग गुजराती वोटर्स फॉर ग्रांटेड। सुधीर जी, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं आपको, मेरे बात मानिए, हम 6 महीने क्या 1 साल से लगातार मैं इसको चुनाव को देख रहा हूं, तो हमें पिछले केवल 1-2 महीने में ऐसा लगा कि हम ये चुनाव जीत सकते हैं। पहले बहुत मुश्किल था, संघर्ष भरा चुनाव था, क्योंकि जो जातिवाद के नाम पर आंदोलन को चलाकर बाद में उसको राजनीतिकरण करने की जो कांग्रेस की षड्यंत्र थी, जो कोशिश थी, वो अंत में हमें लगा कि हम जनता को समझा पाए, बट कुछ हद तक समझा पाए, कुछ हद तक शायद सफल तो नहीं आप हुए। ये मानते हैं कि अल्पेश, जिग्नेश, हार्दिक, ये 20-30 साल के जो लड़के हैं, ये आपके ऊपर भारी पड़ गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है। बट लेकिन नहीं, जो भी हो, ये जाति के नाम पर इस प्रकार का विद्वेष पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसका कुछ असर होता है, उसका कुछ टेम्पररी असर होता है, बट अंत में ये कांग्रेस किसी का नहीं रही है अभी तक। कांग्रेस हर एक को इस्तेमाल करके छोड़ने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए यदि जो जाति इससे भ्रमित हुए हैं, कुछ हद तक यदि भ्रमित हुए हैं, ये हार्दिक का हाल पता चलेगा, उनको सत्ता तो नहीं मिलने जा रही है, अभी भी हमें उम्मीद है हम अच्छे संख्या से सरकार बनाएंगे, और हार्दिक को जो इस्तेमाल करके उनको फेंकने वाली है कांग्रेस पार्टी, जैसा कांग्रेस ने सरदार पटेल के साथ किया। कुछ दिन पहले तक, गुजरात चुनाव होने तक, सरदार पटेल की तस्वीरें हर जगह लगाई गई, दिल्ली आ गए, सरदार जी को, सरदार पटेल को भूल गए, तो तस्वीर ही नहीं है सरदार पटेल की, फिर केवल परिवार और नेहरू गांधी परिवार की पोस्टर यहाँ छपते हैं। तो इस प्रकार जो भ्रमित करने की जो कोशिश थी, ये आगे जाकर सक्षम नहीं होगी कांग्रेस पार्टी इसको बरकरार रखने में। जी 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 वेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको एक बार फिर से बता दें, टैली वैसे तो आपकी स्क्रीन पर है, बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, और बीजेपी अब 81 सीट की बढ़त बीजेपी ने ले ली है, और कांग्रेस 88 पर आगे चल रही है। सरकार बिल्कुल ओपन है, किसी की भी बन सकती है, 92 का जो मार्क है उस तक कोई भी पहुंच सकता है। और देवकी कुछ कहना चाह रही थी इससे पहले, देवकी। सर, एक तो मैं ये बात बताना चाहती थी कि अभी जो सर बता रहे थे वो बात कुछ सच नहीं है, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ और मैं मानती हूँ कि जब मैंने इलेक्शन कैंपेनिंग देखा है दोनों पार्टीज़ का, तो मैंने ये देखा है कि ये ऐसा नहीं था कि कोई भी ऐसे डरा हुआ था कि क्या होगा क्या होगा। बीजेपी की तरफ से तो डरे हुए नहीं ही थे, ऐसा तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। बहुत ही कॉन्फिडेंस था कि ये ऐसा हम ही जीतेंगे, और 150 की बात कर रहे थे, 140 142 की बात कर रहे थे, तो ये तो नहीं था। हमारे प्रीवियस डिस्कशन जब रेवा फ्रंट से हुए थे उसमें भी ये था। सर ने जो बात बताई, अल्पेश और जिग्नेश दोनों लीड कर रहे हैं, ये भी एक और बड़ा संकेत है। और हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं, ये इस वक्त की लेटेस्ट बड़ी खबरें हैं, और गुजरात की जनता ने एकदम से
हैरान कर दिया है बीजेपी को भी और देश को भी। हिमाचल में भी बता दें, हिमाचल में भी नेक टू नेक चल रहे हैं और हिमाचल में देखिए जबरदस्त वापस से तस्वीर बदली है। बीजेपी 33 और कांग्रेस 21 पर बाउंस बैक किया है हिमाचल में कांग्रेस ने। एग्जिट पोल कह रहा था कि सुपड़ा साफ है। बिल्कुल, और पहले कह रहे थे कि कांग्रेस जो है एक तरीके से साफ हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस साफ नहीं हुई है। पीछे जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी आराम से वहां पर जा रही है। सुधीर, मेरी बात जरा सर, एक मिनट, मेरी बात जरा सा अधूरी थी। मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कोई भी राजकारण, गांधी जी ने कहा है कि कोई भी राजकारण जो है उसमें नीतिमत्ता जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ऑनेस्टी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, यू कांट लीव द मोरालिटी असाइड। एट द सेम टाइम जो भी कैंपेनिंग के लिए आ रहा है और सामने वाली पार्टी के लिए जो भी बोल रहा है, उसमें आप कौन से ओहदे पे आके किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। आप रेगुलर कैंपेनिंग करने वाले हैं, आप सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, और आप कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं, समाज सब कुछ देखता है और उससे आपको जज भी करता है। तो आई थिंक एक दूसरे के बारे में ही टिके रहना इलेक्शन में कि तुमने क्या खराब किया, हम उससे तो बेहतर कर रहे हैं। आई डोंट थिंक द इलेक्शन इज ऑल अबाउट दैट। आई थिंक द इलेक्शन इज अबाउट क्योंकि तुमने बुरा किया था इसलिए हमें चुना गया, अब हम यहां से आगे जाएंगे और वाइस वर्सा। तो गुजरात की जनता यही कहने की कोशिश कर रही है आपको लगता है? आई थिंक दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट जस्ट विनिंग ऑफ वन पोलिटिकल पार्टी, आई थिंक इट इज ऑल्सो दैट द जनता इज ट्राइंग टू से that it is enough that you are trying to fight amongst yourself, because there is a judgment that is sitting with us. We are the ones who are going to decide and you are just trying to fight between main tumse behtar hu, main tumse behtar hu. Janta is trying to say my opinion is going to be the most important one. BJP ke CM candidate Prem Kumar Dhumal 540 vote se piche hain, piche chal rahe hain ji. To main ek aur badi khabar aapko bata dein jo Smita ne abhi batayi hai ki प्रेम कुमार धूमल जो कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे बीजेपी की तरफ से, वो खुद ही पीछे चल रहे हैं, खुद ट्रेल कर रहे हैं। और हिमाचल में भी बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है। हिमाचल में बीजेपी आगे तो ज़रूर है लेकिन बहुत ही कम सीटों से। बीजेपी 33 सीटों पर आगे है और कांग्रेस बहुत तेज़ी से पीछे पीछे चली आ रही है। कांग्रेस 21 सीटों पर आगे है, जैसा पहले हमें दिख रहा था शुरुआती रुझान में, दो तिहाई बहुमत की तरफ बीजेपी बढ़ रही थी, ऐसा नहीं है। और हिमाचल में भी बीजेपी जीत भले ही जाएगी लेकिन बिना टक्कर के नहीं जीत रही है, ये आप देख सकते हैं। और अब गुजरात में बीजेपी ने कुछ बढ़त ली है, सिर्फ दो सीटों की बढ़त ली है, 88 और 90 का जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। जी परवेज जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जीवीएल का जब आप इंटरव्यू कर रहे थे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो कम से कम मेरे ख्याल से 30 बार उन्होंने बार बार कहा जातिवाद, जातिवाद की जीत है ये, मतलब जीत है ये कि जो कांग्रेस की जो बढ़त है। तो देखिए क्या है कि हम सब लोग इतने लंबे अरसे से ये सब चर्चा करते हैं और विश्लेषण भी करते हैं चुनावों का, तो ये एक अजीब सी बात निकल के आती है कि आप जब हारते हुए नजर आते हैं तो दूसरे पक्ष को कहते हैं कि जातिवाद है, और यही पक्ष फिर दूसरे पक्ष पर इल्ज़ाम लगाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रूर समझने के लिए, जो हमारे लिए ज़रूरी है, पिछले 3-4 महीने में स्मिता प्रकाश खासा समय गुजारती हैं ट्विटर पे, मैं इनको फॉलो करता हूं, और अभी आपके साथी यहां जी स्टूडियो में बता रहे थे, ये पिछले 3-4 महीने से हमने देखा कि राहुल गांधी के जो ट्वीट्स हैं, जो सोशल मीडिया कैंपेन है, वो बड़ा इफेक्टिव था, इंटरेस्टिंग था, लोग दिलचस्पी लेने लगे थे, कुछ जेन्युइन भी नज़र आ रही थी उनकी ट्वीट्स। दूसरी बात यह है कि ग्राउंड रियलिटी पे भी एक ऊर्जा हमने देखी कि उनमें एक निकल के आ रही है, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में एक जो भी विपक्ष का कैंपेन था, कहीं कोहेसिव थोड़ा सा नज़र आने लगा था कि लोग साथ आने लगे। उनको पता है कि जहाँ वोट का विभाजन होगा भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई नज़र आती है। चौथी बात वो ये है कि जो हिंदुत्व का कार्ड है, आप एक बार चलाएंगे, दो बार चलाएंगे, और आखिर में खास तौर पे जब भी इलेक्शन का एक आखिरी हफ्ता आता है उसमें भारतीय जनता पार्टी उसको हमेशा चलाती है। आरिफ मोहम्मद साहब पिछली डिबेट में मेरे साथ में थे और आप भी थे यहीं पे जब हम यूपी का डिस्कशन कर रहे थे, आरिफ भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब एक पक्ष चल उस कार्ड को चलाता है तो आप उसकी शिकायत नहीं करते, दूसरा पक्ष चलाता है तो उस पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो सच बात यह है कि कौन इफेक्टिवली चला पाता है उस कार्ड को, अब ये डिबेट रह गई है। मिसाल के तौर पे हिंदुत्व का कार्ड है भारतीय जनता पार्टी, अगर उसको अच्छा कार्ड नहीं है, अच्छा ठीक है, ये जमीन पे इसका असर हम देखते रहे हैं। तो एक मिनट मैं जरा खत्म कर लूं। हिंदुत्व की ये हार मानी जाएगी,
क्योंकि ये हिंदुत्व का जो कार्ड आप बोल रहे हैं, ज़मीन पे कोई 36 मुसलमानों को आपने जिंदा जलाया है या मार काट करके वो ख़त्म किया है, उसके ऊपर जो उनकी रोज़ी के वो साधन हैं उनको ख़त्म किया है, और हिंदुत्व को इन्होंने बहुत पूरी तरह इस्तेमाल किया है अभी गुजरात में और राजस्थान में हाल में ही ये जो हुआ था उस, और वहाँ पे उसके जो हत्यारा था उसके पक्ष में लोग निकल कर आए हैं। तो इन्होंने ये कोई कार्ड नहीं है, ये ज़मीन पे ये फ़र्क लाए हैं जिसको शायद जनता कह रही है कि हमको नहीं पसंद है ये सारा इस किस्म की। तो तवलीन जब ये बात कह रही है इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाती है कि तवलीन उन लोगों में है, पत्रकारों में और उन विश्लेषकों में है जिन्होंने पिछले दो साल में एक बड़ी जितने भी इनके लेख हैं उनसे एक मोदी समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इनकी खासी बुलंद आवाज नजर आई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये उन लोगों में और परिवर्तन के लिए, जी, हिंदुत्व और के लेकिन लिए ये कि अगर इनको शक पैदा होने लगे इस सरकार की रणनीति पे या पूरे नेतृत्व पे, मैं समझता हूँ इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। गंभीर बात है। हम एक बार संबित पात्रा के पास चलते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। संबित जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके जो तमाम कार्ड्स जिनकी बात हमारे स्टूडियो में चल रही है विश्लेषण, कौन कौन से कार्ड्स आपके नहीं चले? देखिए सुधीर जी, बहुत ससम्मान में कहना चाहूँगा, चुनाव हमने बड़े दमखम के साथ लड़ा और अभी जो रुझान तमाम चैनलों को हमारे सामने, बहुत सारे टीवी लगे हुए हैं यहाँ पार्टी कार्यालय में, मैं बहुत सारे रुझान बहुत सारे चैनलों में देख रहा हूँ। कहीं भारतीय जनता पार्टी को 100 के साथ गुजरात में बढ़त दिखाया गया है और आपके चैनल में 90 दिखा रहे हैं। मुझे लगता है इसी प्रकार आगे बढ़े तो आपको शायद 100 वाला अच्छा लग रहा होगा आपको। बिल्कुल सही बात है सुधीर जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आप 120 दिखाएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा, मगर अभी धैर्यपूर्वक इंतजार जरूर करना चाहिए। मगर जहां तक आपका प्रश्न था कि कौन सा कार्ड चला और कौन सा कार्ड नहीं चला, सुधीर जी मैं इतना बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है और बहुत कम हुआ भी है कि 23 साल किसी राज्य में हमने सरकार चलाया हो और उसके पश्चात एंटी इनकम्बेंसी की बात भी हुई हो मगर फिर भी हम रेस में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए लोग पूछते हैं कि 150 की बात आपने की थी, अब तो बहुत पिछड़े हुए नज़र आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में दम भरने के लिए, एक आत्मविश्वास, एक स्वाभिमान जगाने के लिए कि आपको आगे बढ़ना होगा, जो विकास का काम हमने किया है उसे जिताना होगा, जातिवाद को हराना होगा, उसके लिए हमें बहुत सारे धुनधुमिनाद बजाने होते हैं और आज उसी का नतीजा है कि 23 साल के सरकार के पश्चात भी हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु की आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद रहा तो हम सरकार जरूर गुजरात में और हिमाचल में बनाएंगे। देखिए हिमाचल में तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आप 36 सीटों पर अब आगे चल रहे हैं और जो मार्क है 36 का वो आपने अचीव कर लिया है। तो हो सकता है अगर यही नतीजे रहे तो शायद हिमाचल में आपकी सरकार बन जाएगी। लेकिन संबित जी, जैसे तैसे गिरते पड़ते कहीं पर भी क्लियरली ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग बीजेपी की बड़ी वाहवाह कर रहे हैं, ना तो हिमाचल ना गुजरात, ये चिंता की बात है। नहीं, देखिए सुधीर जी, मैं बहुत ससम्मान इससे अपने आप को अलग करता हूँ कि गिरते पड़ते भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बिल्कुल अहंकार के बोल नहीं, मगर आज अगर 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो गिरते पड़ते नहीं है, बहुत मेहनत के बाद ये संभव हुआ है। देखिए 70 वर्षों तक सत्ता में एक अल्टरनेटिव विचारधारा का काबिज रहना और उसके बाद आज इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में आके सेवा का मौका लेना, ये अपने आप में छोटी बात नहीं है सुधीर जी। और दूसरी बड़ी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, 23 वर्ष सरकार चलाने के बाद भी छठी बार के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में रुझानों के हिसाब से आगे बढ़ते दिख रही है तो चिंता का विषय ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जरूर चिंता करेगी कि और अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, मगर चिंता का विषय ये विपक्ष के लिए है, जो हैंड्स डाउन विक्ट्री विपक्ष की होनी चाहिए थी कि 22-23 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हुए 150 का जो टारगेट है वो विपक्ष को रखना चाहिए था शुरू से, मगर ये हमारी स्ट्रेटजी को देखिए कि 150 का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने रखा और आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं जी। लेकिन जो 88 सीटें दिख रही हैं कांग्रेस की अभी हमारे रुझान में, ये 88 सीटों पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये 88 सीटें कहां से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? स्वाभाविक है सुधीर जी, इसमें किसी प्रकार का दोमत नहीं है कि हमारे सीटों में से ही कुछ सीट कांग्रेस के पास गई है
और कांग्रेस ने कुछ सीटों पर जो कि भाजपा की सीट रही होंगी उन पर अच्छा किया है। यह जो प्रोत्साहन ये जो सर्टिफिकेशन है ये कांग्रेस को देने में यह अच्छाई कांग्रेस के लिए कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। चुनाव के अंतिम दिन तक हम चुनाव लड़ते हैं और रिजल्ट के जिस समय रिजल्ट आता है लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पर चिंतन करती है। हम ईवीएम पे कभी बहस नहीं करते हैं, ईवीएम पे कभी उंगली नहीं उठाते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर कभी सवाल नहीं करते हैं। आज जो भी नतीजे आ रहे हैं सहर्ष हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अहम और अहंकार, ये जब गुजरात में जो लोग गए, हमारे भी जो बहुत सारे रिपोर्टर्स गए और लोग कहते थे कि जब जाते हैं गाँव में शहरों में कस्बों में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में बहुत अहम आ गया है, अहंकार आ गया है, एक बार उस अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, एक बार इन्हें मजा चखाना चाहते हैं, हराना नहीं चाहते, कांग्रेस को नहीं लाना चाहते, लेकिन एक बार इनको स्केयर करना चाहते हैं, एक बार इनको डरा देना चाहते हैं, 120 130 नहीं देना चाहते, 92 से 95 देना चाहते हैं बस। देखिए सुधीर जी, अगर ये आप ही नहीं, अगर बहुत सारे पत्रकारों को ऐसा लगा है गुजरात में तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और एक अच्छी पार्टी की निशानी वही होती है जो आप सबसे फीडबैक लेकर, अगर कहीं भी अहंकार हमारे कार्यकर्ताओं में जमीन पर किसी भी राज्य में आया है तक्षणात उसे ठीक करना ताकि भविष्य में इस प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, और हमेशा अपने प्रॉब्लम्स और अपने इश्यूज को एक्सेप्ट कर लेना, यह पार्टी का बड़प्पन होता है। मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूँगा, हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर हैं, कभी भी वो कॉम्प्लेसेंट नहीं है। यहाँ बड़े बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं, तवलीन जी भी बैठी हुई हैं, बाकी लोगों को मैं देख रहा हूँ, सभी सहमत होंगे कि हमारी लीडरशिप में एक बड़ी क्वालिटी है कि वो किसी भी गलती को ब्रश असाइड नहीं करेंगे, कोर्स करेक्शन उस पर बिल्कुल अध्ययन करना, और जो निचोड़ निकल के आएगा, जो समरी निकल के आएगा, निष्कर्ष निकल के आएगा, उसके आधार पर भविष्य में ऐसे काम करना कि अगला जो चुनाव होगा नतीजे आप उसमें जरूर देखेंगे कि हम बेहतरी के साथ उसमें अपने संख्या को अपने टैली को बढ़ाएंगे। जी आपको बता दें, दर्शकों को भी बता दें कि अब बीजेपी 94 सीटों पर आगे है गुजरात में और 92 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस 86 सीटों पर आगे है, बीजेपी ने कुछ इंप्रूव की है अपनी टैली और 94 सीटों पर आगे इस वक्त बीजेपी चल रही है। लेकिन संबित जी, अगर आप 94 पर आगे हैं, मैं फिर भी कह रहा हूं, और 94 आपने जीत भी ली, 94 में और 150 में बहुत फर्क है, तो आपको जब पता था कि 90 से 100 के बीच में आप अटक जाएंगे, और मुझे यकीन है कि आपके लीडरशिप को असली जानकारी होगी ग्राउंड रिपोर्ट, तो फिर आपने 150 के बारे में इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों दिखाया? देखिए सुधीर जी, अभी 94 पे भी सांस अटक कर ही मैं बोल रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए, इट वुड बी टू अर्ली टू सेलिब्रेट। अभी हम किसी प्रकार से सेलिब्रेटरी मोड में नहीं है, बिल्कुल आंख नज़र गड़ाए सभी टेलीविजन चैनल्स को देख रहे हैं कि इस प्रकार रुझान किस करवट बैठ रहा है, अहंकार की कोई बोली नहीं है। और जहां तक आपका ये प्रश्न है कि 150 का टारगेट क्यों दिया, जब मालूम था आपके हिसाब से हमारे नेतृत्व को मालूम होगा कि 100 के अंदर हम सिमटेंगे, तो हमने 150 का टारगेट क्यों दिया? आप सोच के देखिए, अगर हम तारों तक पहुंचने की एम्बिशन को नहीं रखेंगे, चांद तक पहुंचने का एम्बिशन नहीं रखेंगे, तो आखिर हम उड़ान भरेंगे कैसे? हम तो जमीन पर ही रह जाते फिर, उड़ान के लिए अनरियलिस्टिक था, ये तो मानते हैं आप, अनरियलिस्टिक था? नहीं, राजनीति में कुछ भी अनरियलिस्टिक नहीं होता है सुधीर जी, अंतिम क्षण तक शरीर का कण कण और जीवन का पल पल लगा देना नतीजे के लिए, यह राजनीति का बड़प्पन होता है। और मैं तो अपने दोनों लीडर्स को, नरेंद्र मोदी जी को और अमित भाई शाह को नमन करता हूं। देखिए हम लोग युवा कार्यकर्ता हैं, जब हम इन लोगों को देखते हैं तो कभी कभी सोचना पड़ता है कि आखिर इतनी मेहनत ये लोग कर कैसे लेते हैं। नतीजे जो भी हो सुधीर जी, मैं बहुत आदरपूर्वक कहना चाहता हूं, मेहनत में तिल मात्र की कमी नहीं, अपने शरीर का कण कण लगा देना, जीवन का पल पल लगा देना, ये अपने नेतृत्व से हमने सीखा है। और मरते दम तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में मेहनत के साथ काम करेगा। जी लेकिन अब आप ये बताइए कि मोदी जी जिनको हम सुपर हीरो मानते थे गुजरात का, इससे ये साबित हो गया कि आपके सुपर हीरो भी एंटी इनकम्बेंसी को काफी हद तक कंट्रोल नहीं कर पाए, और ये 2019 की टोन को सेट कर देगा जो आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। सुधीर जी देखिए, सुधीर जी आप इतने प्यार से सवाल पूछते हैं कि गुस्सा आता भी नहीं है, कभी कभी मन के अंदर विचलन जरूर होता है मगर गुस्सा आता ही नहीं है। देखिए जो आपने सवाल पूछा सुधीर जी, मैं इसका उत्तर देता हूँ।
आखिर कब तक ऐसा होगा कि नरेंद्र मोदी जी को टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट और टेस्ट पे टेस्ट देते रहना पड़ेगा? आखिर ऐसा कब होगा कि, देखिए मैं सहसम्मान राहुल जी के लिए कह रहा हूँ, उनके लिए कोई वैचारिक वैमनस्य नहीं है और निजी वैमनस्य भी नहीं है, मगर वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आखिर वो वक्त कब आएगा कि इतने एग्जामों में फेल होने के बावजूद भी उनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? ये हम सबको चिंता करने का विषय है। एक साधारण परिवार से उठा हुआ व्यक्ति लगातार 12-14 वर्षों तक गुजरात संभालना, उसके पश्चात भारत के केंद्र नेतृत्व में आके देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देना और आज भी देश और विश्व में एक बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में उभरना, आखिर कब तक मोदी जी का ये लिटमस टेस्ट चलता रहेगा? और क्या मोदी जी ने पाप किया है? अगर वो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आज भी गुजरात में GST को गब्बर सिंह टैक्स बता के हमारे विपक्षियों ने हम पर तंज कसा है। आप बताइए रिफॉर्म वर्सेस परफॉर्म में। नहीं देखिए, परेशानी की बात यह है कि लोग गब्बर सिंह टैक्स पर और GST दोनों में चॉइस था, लोग गब्बर सिंह टैक्स को मान रहे हैं, ये उसी का तो नतीजा है। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, हमें समझाना होगा। देखिए, जहां तक GST का सवाल है, GST आना ही था अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने माना कि इस रिफॉर्म को आना ही पड़ेगा, हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। अब देखिए, दो उपाय हैं, हम परफॉर्म और रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की राजनीति को छोड़ दें और हम केवल पॉपुलिज्म पे आगे बढ़ें, तो हो सकता है हमारा जो मार्जिन है वो और 10 सीटों से हम आगे बढ़ जाए। ये 10 सीटें हमारे लिए, हमारे राजनीतिक विचार के लिए और राजनीतिक सफर के लिए महत्वपूर्ण है सुधीर जी, या अगर हम 10 सीट कम लाते हैं और देश आगे बढ़ता है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम सबको ये सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर हम कुछ गंवाते भी हैं, अगर देश कुछ पाता है, तो राष्ट्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी राजनीतिक सफर से बड़ा राष्ट्र का सफर है, यह मोदी जी ने हमेशा समझा है, और इसलिए ही इज अ डिफरेंट लीडर, ही इज अ स्टेट्समैन कंपेयर टू अवर ऑपोजिशन। और चाहे उसके लिए आपको गुजरात गंवाना पड़े तो भी कोई बात नहीं, यह राष्ट्र हित में आपने किया। गंवाना तो दिख नहीं रहा है, देखिए अभी तो आदरपूर्वक आपने भी 96 दिया हुआ है, बाकी चैनलों में 100 से ऊपर भी दिया हुआ है, गंवाता हुआ तो लग नहीं रहा है। फिर भी मैं धैर्यपूर्वक इंतजार करूंगा। मैं इतना ही जरूर कहूंगा, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के एजेंडा से हिंदुस्तान की राजनीति को कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। यही रहा है जो भारत को आगे लेके जाएगा। भले हम और राहुल गांधी कितने भी लड़ते रहें, मगर भारत इस लड़ाई में पिछड़ना नहीं चाहिए। जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आप 95-100% सिमट जाते हैं, सरकार तो आपकी बन जाएगी, लेकिन क्या इसे भी एक तरह की वैचारिक हार नहीं माना जाएगा? देखिए सुधीर जी, मैं अगर 95-100 का आप आंकड़ा दे रहे हैं, मैं तो अभी नहीं बता पाऊंगा किसकी सरकार बनेगी, इंतज़ार करूंगा। मगर ऐसा अगर हुआ तो मैं उस समय आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि जो जीता वही सिकंदर, जो जीतता है वही सिकंदर है। कोर्स करेक्शन के लिए उसके पास बहुत समय होता है, जनता के पास जाके जनता की और मन से सेवा करना और जनता के मन में किसी प्रकार का भी अगर वैमनस्य है उसको बिल्कुल मिटाने का प्रयत्न करना 24 घंटे मेहनत करके, ये हमारे पास ऑप्शन रहेगा। और देखिएगा सुधीर जी, 6 महीनों के अंदर हम किस प्रकार से बिल्कुल ठीक करके खड़े हो जाएंगे। जी संबित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जो जीता वो सिकंदर, आपका मैं आखिरी शब्द पकड़ के अभी यहाँ पर बैठा हूँ, क्योंकि बीजेपी अब 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है गुजरात में, और 100 का आंकड़ा पार करने का मतलब है कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को डरा जरूर दिया है। बीजेपी की जनता ने, गुजरात की जनता ने बीजेपी को एक बार के लिए डरा जरूर दिया है और उनको बता दिया है कि सरकार से हम आपको नहीं हटाना चाहते, लेकिन आप अपने तौर तरीके बदल लीजिए। निनाद सेठ इस वक्त हमारे साथ हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं जाने माने, उनका विश्लेषण हम ले लेते हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, बहुत दिलचस्प रुझान लग रहे हैं, इसमें 3 चीज़ें मैं देखता हूं। पहली बात तो ये है कि अगर गुजरात में 100 से कम आती है बीजेपी की, तो ये राहुल गांधी के लिए एक ब्रेक थ्रू है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 22 साल के एंटी इंक्यूमेंसी का असर पड़ा है, शायद कास्ट पॉलिटिक्स का असर ज़्यादा पड़ा है जितना हमने सोचा था। मैं सोचता था कि जैसे दो पाटीदार है वो क्लास की तरह ज़्यादातर वोट करते हैं, हो सकता है एंड में यही हो, पर फिर भी कास्ट का थोड़ा सा असर दिखाई दे रहा है। और द पर्सनल पुल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सीम्स टू हैव वर्कड इन द एंड। वो जो 100 सीटें हम जो देख, 20 सीटों का मार्जिन देख रहे हैं, 80 हो जाती है। हाँ हाँ, वरना शायद 80 हो जाती, क्योंकि कल मैं आपके शो पे, किसी शो पे कह रहा था जी पे ही, कि जब रॉकेट उड़ता है तो 2 स्टेज होती है, एक तो मेन स्टेज होती है रॉकेट की और एक टर्बो चार्जर होता है। वो टर्बो चार्जर अगर नहीं होता तो मेरे को लगता है कि एक हार की तरफ शायद बीजेपी बढ़ सकती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक 2019 एक गिवन था,
लोग 2019 की बात भी नहीं कर रहे थे अगर आप सर्कल्स में जाए, ये अब उसके लिए प्रश्न चिन्ह है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी जो स्टेट से जाएगी नेशनल लेवल पे वो हो सकती है कि नहीं। पर हमने ये दिमाग में रखना चाहिए कि स्टेट के लेसन कई होते हैं जो स्टेट में ही रहते हैं, इतने सारे लेसन नहीं होते कि सारे के सारे आप नेशनली कन्वर्ट कर पाएँ। तो मेरे ख्याल से फाइनल एनालिसिस तो हमें अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, पर जो आए हैं इधर वेज द न्यू प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के बने हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है और बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है और बहुत तेज़ी से बजती हुई खतरे की घंटी। जी, और हम रवि त्रिपाठी के पास चलते हैं जो कि इस वक्त अहमदाबाद में है कांग्रेस के दफ्तर में, क्योंकि कांग्रेस इज दी प्लेस नाउ। रवि जी, रवि हम आपको देख पा रहे हैं अभी, और आप हमें बताइए कि कांग्रेस का क्या मूड है वहां अहमदाबाद में। देखिए सुधीर जी, कांग्रेस के लिए हमारा संपर्क शायद ठीक नहीं है अभी रवि से, थोड़ी देर के बाद हम लोग वहाँ से चलेंगे, लेकिन निनाद से हम बात कर रहे थे। इस पूरे दौर में विकास, आपको लगा कि कहीं विकास के बारे में बात ही नहीं हो रही है और ये सारा जो शिफ्ट है ये नॉन विकास वोट्स हैं? नहीं, मेरे को लगता है कि जब 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है तो विकास पर प्रश्न चिन्ह लगा है। कहीं ना कहीं फार्मर डिस्ट्रेस बाहर आया है, कहीं ना कहीं शायद जॉबलेसनेस का प्रश्न चिन्ह थोड़ा तो बड़ा हुआ। गुजरात मॉडल के लूप होल्स दिख रहे हैं अब लोगों को, गुजरात मॉडल प्लस चाहिए लोगों को, लोगों की आजकल एस्पिरेशंस बढ़ गई, हम एक नए इंडिया में रहते हैं, इस इंडिया में थोड़ा यू नो एस्पिरेशंस प्लस हो गया है। तो मुझे लगता है कि गुजरात मॉडल ने जो डिलीवर किया उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस। तो ये सब जो है 5 साल पहले तक ठीक था, 10 साल पहले अच्छा लगता था, लेकिन अब जो है 2017 में लोगों को और चाहिए। हम 8% के ग्रोथ रेट से यूज टू हो गए एक तरह से, और जब तक 8% नहीं आता तो ये इसीलिए 2019 में प्रश्न चिन्ह लग सकता है कि अगर 8% का ग्रोथ रेट रहता है तो थिंग्स स्मूदन आउट, पर अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। वोटर जो पॉलिटिशियन दे रहा है उसको लग रहा है ये तो मेरा हक था, इससे ज़्यादा मुझे क्या मिला। तो मुझे लगता है कि मापदंड ऊपर गया है सभी पार्टियों के लिए डिलीवरी का। जी, सपना हमारे साथ हैं। सपना व्यास वैसे तो जानी मानी फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, गुजरात की पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं और गुजरात की एक यूथ हैं। सपना, आप कैसे देखती हैं इस नतीजे को जहाँ पर बीजेपी सिर्फ 100 पर आकर अटक गई है और कांग्रेस 80 तक पहुँच गई? इससे पहले के इलेक्शन में अगर हम देखें तो पीपल वर रियली हैप्पी विद बीजेपी, पर अभी हुआ जो भी GST डीमोनेटाइजेशन, तो उससे थोड़े बहुत लोग डेफिनेटली नाराज़ हैं। जैसे वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो और बेहतरीन तरीके से हो सकता था, दिक्कतें पड़ी है लोगों को, तो वो सारी बैक ऑफ द माइंड लोगों के वो बात है और वो रिफ्लेक्ट डेफिनेटली करेगी वोटिंग में भी। और जहाँ तक यूथ की बात है तो अनएम्प्लॉयमेंट, फिर फीस का इश्यू बहुत ही चल रहा है, तो वो भी लोगों को परेशानी, जो दिक्कतें हैं तो वो उनके वोटिंग पैटर्न में दिखेगी। आप अहमदाबाद में रहती जी, जब आप गुजरात में इससे पहले जाती थी या चुनाव प्रचार में जब जाती थी तो क्या कहते थे लोग उस वक्त? बीजेपी की वजह से एक उनको दे फाइंड दैट बीजेपी इज़ अ स्टेबल गवर्नमेंट, उनको गुजरात में पीस ज़्यादा है, तो वो सारी बात लगा इतने साल से, हाँ तो वो सारी पॉजिटिव है, अच्छा है, वो सारे पॉजिटिव है। पर अभी जैसे ये पाटीदार आंदोलन हुआ और जो सारी और मांगे चल रही है, तो उसके वजह से काफ़ी लोग खफा हैं, उनको चेंज चाहिए, चाहे वो बीजेपी में ही बदलाव हो या फिर कांग्रेस आ जाए, ये दोनों तरीके की बातें चल रही हैं। सो मोर और लेस पीपल आर हैप्पी विथ द करंट गवर्नमेंट, पर होता क्या है जब 22 साल से एक ही गवर्नमेंट है तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट बदले तो कुछ और बेहतरीन हो सकता है, पर ज़्यादातर लोग खुश है बीजेपी के परफॉर्मेंस से, पर नाराज़गी इसी बात पर है जो डीमोनेटाइजेशन और GST के इश्यूज़ का जो बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन हो सकता था उस पर लोग थोड़े बहुत खफा है, वो रिफ्लेक्शन भी आ रहा है।